अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इस्लामाबाद में इस वक्त तीन कैंप है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और वो कैंप है कि एक हुकूमत का कैंप है, एक इतिहादियों का कैंप है, और एक कैंप है ऑपोजिशन का। और इन तीनों कैंप्स में इस वक्त क्या हो रहा है? मोटी मोटी तो आपको पता है क्या खबरें चल रही हैं। सदा वो रेफरेंस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इधर से क्या स्टेटमेंट आती है वो भी आप सुन लेते हैं, इधर से क्या स्टेटमेंट आती है वो भी आप सुन लेते हैं। लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है ये आज हम आपको बताएंगे कि इन तीनों कैंप्स में सिचुएशन क्या है, मोरल कैसा है, किसका क्या इरादा है, किसको किस चीज से डर लग रहा है, किसको किस चीज का खौफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका खौफ नहीं है। ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी नई चीज है। अमूमन सबको खौफ होता है कि क्या हो जाएगा, वो खौफ इस दफा जो है एक डरावना सा जो खौफ होता है वो नहीं है। तो हम आपसे आज ये बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है। तो पहले हम मेमल से शुरू करते हैं। मेमल, हुकूमती कैंप के जो अंदर के हाल हैं, वो अहवाल हैं, वो हमें मेमल बताएंगे। मैं बताएं, पहले तो वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई है एंकर्स के साथ। जी नताशा, ये शहजाद इकबाल साहब ने आज जन अखबार के अंदर लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो मेन क्रक्स उन्होंने जिस चीज का दिया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया कि वो इदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अभी भी एक पूरे इत्माद है। और वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने तुर्क का पत्ता जो है वो उन्होंने अपने सीने से लगाया और 27 मार्च को पेश करेंगे। तो इसके बारे में काफी ज्यादा क्या सराहियां भी हो रही है कि वो क्या ट्रम्प कार्ड हो सकता है और किस तरह की चीजें। लेकिन उन्होंने जो जो शहजाद इकबाल साहब ने जो मेन मेन चीजें लिखी है वो ये है कि वजीर आजम की बातों से यही नतीजा निकला कि वो आर्मी चीफ साहब के बारे में मुस्बत राय रखते हैं, और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि अपोजिशन के कैदीन फौज के बारे में जो भी जबान इस्तेमाल करें वो ऐसी कोई बात नहीं करें। और इसके अलावा जो है उनका ये भी एक है कि जो 27 मार्च को अवाम का समुंदर देखेंगे लोग, वो ये समझते हैं कि अवाम जब अवाम का समुंदर लोग देखेंगे तो इत्तेहादी मुनरब अराकीन हुकूमत का के साथ रहेंगे और इदारे भी उनके साथ होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि वो जो है जहाँ तक बात है उस्मान गुदार साहब की, उनकी तब्दीली का फैसला जो है वो नहीं किया, बल्कि वो अभी भी उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। और फिर उन्होंने जो है उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो जब एक उन्होंने इलेक्शन के बारे में भी इंटरेस्टिंग बात की कि 6 माह बाद किसी भी वक्त इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए तैयार है, ये बात वजीर आजम साहब की। अच्छा, कुछ और सहाफियों ने भी जिन्होंने इसके ऊपर डीपर्स भी दिए कल की मीटिंग के ऊपर, तो उसमें उन्होंने ये बात की कि वजीर आजम साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे लेकिन उनके वुजरा जो थे चक वो परेशान लग रहे थे। तो जब आप पूछते भी हैं तो वो कहते हैं कि देखिए वजीर आजम साहब तो कभी भी उस तरीके से परेशानी का उन्होंने कभी इजहार किया भी नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बड़ी कॉन्फिडेंट सी होती है। हाँ, अलबत्ता वुजरा जो है वो अभी भी चाहते हैं कि कुछ सुलह सफाई हो जाए अगर ऐसी चीजें, वैसे तो खैर उन्होंने ये पूरा बात जायल की है कि कोई ऐसी चीज है, वजीर आजम साहब ने तो अपनी कल की मीटिंग में ये बात जायल की है कि कोई नहीं, वो तो कहते हैं कि कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हमारे दरमियान जो है कोई मसाइल हो। और एक जो नोटिफिकेशन या डी नोटिफिकेशन या कोई वो जो जो एक जो बाकी अपॉइंटमेंट, इस सारी चीज के ऊपर भी जो बात है, उन्होंने कहा कि नवंबर अभी बहुत दूर है तो उन्होंने गालिबन इसके बारे में सोचा नहीं। इस तरह की बातें जो है वो कल के जो लोग मिलकर रहे थे उनके व्यूअर्स से और उनके ट्वीट से ये जाहिर हुआ। अच्छा बेनजीर, आपने हमें बताना था कि एलआईज के कैंप में क्या हो रहा है, वो वैसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है कि वो क्या चाह रहे हैं और वो कब करना चाह रहे हैं, जो भी वो करना चाह रहे हैं। हाँ, इत्तेहादी जो है नताशा वो मजे ले रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, बिल्कुल पूरे के पूरे। वो आखिरी वक्त में एक दो दिन पहले वोटिंग से वो ऐलान करेंगे MQMB और PMLQB। मैं आपको बताऊं, मेरी अभी तक जो मौजूदा अभी सूरत हाल है, बदल भी सकती है कल परसों, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है। मेरी कुछ सीनियर ऑपोजिशन कैंप में जो रहनुमा हैं उनसे बात हुई है और वो ये कहते हैं कि देखें, क्यू ने तो चौधरी शुजात साहब की तरफ से एक मीटिंग हुई PMLQ की और PMLN की, उसमें चौधरी शुजात साहब ने ये तक आइडिया सजेस्ट कर दिया कि हम दोनों पार्टियों को मर्ज कर देते हैं, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से अगला इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सजेशन शहबाज शरीफ साहब को उस मीटिंग में बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब के सामने रखूंगा और फिर हम देखेंगे। मसला यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो ये कहते हैं मसला यहाँ पे ये होगा कि इनको फिर जब आप मर्जर की बात करते हैं तो फिर इनको सीटें भी देनी पड़ेंगी, तो हम क्या इतने ज्यादा लोगों को इस वक्त अकोमोडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले नाराज अरकान भी है PTI के, उनको भी अकोमोडेट करना है, उन सबको भी नहीं हम कर सकते, फिर क्यू को भी अकोमोडेट करना है,
तो ये एक डिटेल्स जो है ना, ये अभी इन पे काम हो रहा है, जिस वजह से मेरे ख्याल से अभी तक क्यों ने अनाउंस नहीं किया। और उनके आप देखें बयानात भी देखें, नताशा कल भी उशाजेब खानजादा साहब के शो पे थे, कामिल रियागा साहब, अगर हुकूमत उनको बना सकती होती तो बना लेती, अभी तक वो हुकूमत की तनकीद ही करें। और जैसे उन्होंने कल कहा कामिल रियागा साहब ने कि अभी बहुत वक्त गुजर गया है, अब लेट हो गया, टू लेट। एमक्यूएम की क्या बात है? अच्छा, एमक्यूएम पे तो अपोजिशन जो है वो 100% श्योर है, वो कहते हैं एमक्यूएम ने फैसला कर लिया। और सिर्फ वोटिंग से दो दिन पहले एमक्यूएम जो है वो अलग, इत्तेहादियों के साथ नहीं, वो अलग अपना फैसला करेंगे। बल्कि अपोजिशन वाले ये भी कहते हैं कि जब एक हकूमती टीम आई एमक्यूएम से मिलने अभी बुध के रोज, तो सुबह के 3 बजे तक मीटिंग चल रही थी, तो आखिर में जब टीम जा रही थी हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने एमक्यूएम से कहा कि देखिए जब आपने फैसला करना हो ना, ऐलान करना हो कि आप ऑपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ 2 दिन पहले बता दीजिएगा, मतलब हमें ना निकलने, घर से निकलने से पहले जरा मिस कॉल दे दीजिएगा। तो इससे तो यही लगता है कि जो दो बड़ी इत्तेहादी जमातें, इन दोनों ने फैसला कर लिया है। अच्छा बेनजीर, वो एक मेमल ने भी शायद देखा होगा, आपने भी देखा होगा, एक इंडियन पब्लिकेशन ने एक स्टोरी की है, अब वो पता नहीं कितनी को सच है, तो और उन्होंने एक बड़ी अपनी तरफ से इनसाइड डिटेल्स ये दी हैं कि जो एलाइज हैं वो सोच रहे हैं कि ना वो हुकूमत के साथ जाएंगे और ना वो अपोजिशन के साथ, कुछ भी नहीं कर, हम भी न्यूट्रल होंगे। तो वैसे उसका फायदा तो हुकूमत को होगा ना, लेकिन इत्तेहादी अगर न्यूट्रल हो जाते हैं और अब्सटेन करते हैं और वोट नहीं करते, तो उसका तो नुकसान होगा हुकूमत को, वजीर आजम को तो वोट ही पूरे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, वोट तो देखिए ऑपोजिशन को चाहिए ना 172, तो अगर अब्सटेन करते हैं तो ऑपोजिशन के वोट जो है वो फिर पीटीआई के मेंबर से पूरे हो जाते हैं। हां हां, फिर ऑपोजिशन को नंबर्स अपने और पूरे करने पड़ेंगे ना। तो अच्छा, लेकिन ये सिर्फ ऑपोजिशन, अगर इत्तेहादियों को आप निकाल दें तो ऑपोजिशन तो कहती है उनके नंबर पूरे हैं, वो तो कहते हैं हमारे पास, उन्होंने तो आपको 12 दिखा दिए अपने एमएनए, उन्होंने कहा ये पूरे हमें 11 चाहिए, हमारे पास 12 है। और आप देखिए अभी नेशनल असेंबली का जो सेशन हुआ जुमे को, उसमें भी उनके नंबर पूरे थे। इससे हम ऑपोजिशन कैंप की बात करें तो हम ऑपोजिशन कैंप के अंदर एक ये बात भी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि अब हमने ना जी जो पीटीआई के जो नाराज अरकान है ना, उनको ना कहने शुरू कर दिए कि जी हमारे पास और सीटें नहीं रह गई, टिकट्स नहीं रह गई हमारे पास देने को, अब आप लोगों को कुछ नहीं है। तो आप बेशक मान रहे हैं कि उनके पास इतने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, ये ऑपोजिशन का क्लेम है कि हमारे पास इतने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं कि अब हम उनको ना कहना शुरू हो गए कि जी वो शुरू में आप आ जाते तो बात और थी, अब हमारे हम इतनी ज्यादा आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते इतने ज्यादा लोगों को। तो ये तो ऑपोजिशन का एक क्लेम है। अच्छा, ऑपोजिशन कैंप के अंदर एक और ये चीज थी मेरा ख्याल है, जो कल तक थोड़ी जरा उनके लिए तजस्स का मामला था लेकिन कल दोपहर तक वो शायद खत्म हो गया, और वो ये था कि ऑपोजिशन कैंप के अंदर थोड़ा सा ये खौफ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सदारती रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो फैसला जो है वो कहीं ऑपोजिशन के प्लान में रुकावट ना बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कल की जो प्रोसीडिंग्स हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद उनको समवट ये लग रहा है कि मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा जो वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग आएगी या जो भी फैसला आएगा वो इनके लिए एक ऑब्स्टिकल बन सकता है, वो अब इनको लगता है कि नहीं होगा। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा हमने देखा कि कल कुछ चैनल्स ने बनाने की कोशिश की कि बड़ी फूट पड़ गई है ऑपोजिशन की दोनों मेन पार्टीज में और ये वो सब, और फिर डिनाइल भी आ गया, मरियम औरंगजेब साहिबा ने डिनाइल भी कर दिया कि बिल्कुल ही गलत बात है। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी एक फूट नहीं लेकिन एक डिसएग्रीमेंट जो हो रही है ऑपोजिशन कैंप में, वो इस बात पे हो रही है कि ना सिर्फ पीपीपी बल्कि पीएमएलएन के अंदर के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जलसा पीडीएम का होना है ये ना करें और ये इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको ना करें और कहीं क्लैश ना हो जाए, और अगर क्लैश हो गया कोई, इससे ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा वो मजीद वोट डिले कर देगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक ये चीज सुनने में आ रही है कि वहां पर डिसएग्रीमेंट हो रही है कि जलसा ना करें, उनको करने दें उनका जलसा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको करने दें। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है वो पीडीएम का जलसा भी था, तो मेमल है ना ऑन वो क्या कहते हैं ऑन बोर्ड है वो प्लान के वो होगा, आज तो निकल रहे हैं लाहौर से जो लीग के लोग। अच्छा, थोड़ी सी स्पेकुलेशन भी कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वजीर आजम के पास क्या ट्रम्प कार्ड है, लेकिन अगर हमने स्पेकुलेट करना हो तो आपके ख्याल से, आप दोनों के ख्याल से क्या हो सकता है ये ट्रम्प कार्ड इस वक्त? मेरा तो ख्याल है वो कहेंगे कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है।
हाँ ये जो नताशा बात कर रही है ना, मुझे भी देखिए बेनजीर इस वक्त कोई इस तरह की चीज अभी तक लग नहीं रहा कि कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज उनके पास है कि जिसकी वजह से वो कुछ कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड हो। क्योंकि देखिए जो बातें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन एक्चुअली हो रही थी वो मैंने कल की मीटिंग जो जर्नलिस्ट के साथ हुई है उसमें मैंने सारी बातें वो जाहिर कर, यानी कि बहुत सारी सेंसिटिव बातों के ऊपर था कि शायद ये ट्रम्प कार्ड ना हो, ये चीज ना हो जाए, लेकिन वो सारा के सारा उन्होंने बात की है कि ऐसा उन्होंने तासुर दायर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसी चीज कुछ भी नहीं हो, तो फिर शायद यही हो कि जो आवाम का जिस तरह जो शहजाद इकबाल साहब ने भी लिखा है कि वो समझते हैं कि आवाम का क्योंकि इतना इतनी ज्यादा सपोर्ट होगी तो उसकी वजह से इतिहादी और नरे फरकीन और इवन इदारे अपना अगर कोई ऐसी चीज है उनके जहन में तो शायद वो चीज जो है वो बदल जाए, उनके इरादे तब्दील होते सबके। तो ये एक चीज इंटरेस्टिंग है। मेरी मेरी जाती राय ये है कि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं वजीर आजम के पास, और वो एक ऑप्शन ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत देर से ग्रीवेंसेस चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इशूज हैं जिसपे वजीर आजम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं। दूसरी ऑप्शन मेरे ख्याल से, मुझे पता है उन्होंने कल टीवी मान लिया था, मेरे ख्याल से दूसरी ऑप्शन ये जरूर होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सख्त बयानिया लेना, जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसकी तरफ से भी इस किस्म की कुछ एक किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और क्योंकि वजीर आजम ने ये बार बार साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नो ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, वो कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं चाहे वो तसादम की तरफ जाए, तो मेरे ख्याल से कि ये ऑप्शन उनके पास है और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन हैं जो वजीर आजम को जो वजीर आजम के पास है। वैसे हम आते हैं अब वीडियो की कंक्लूजन की तरफ, चौथे कैंप की बात करते हैं, चौथा कैंप भी था ना, और वो कैंप है इस्लामाबाद की ट्विन सिटी का कैंप जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। अच्छा उस कैंप का जो हाल है वो किसी को, अगर कोई भी ये कह रहा है तो उसको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसको नहीं पता। और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफा हुआ है बड़े ही लंबे अरसे में कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वो जो उनके जो खास मीडिया के भी थे उनके लोग उनको भी बिल्कुल शट आउट कर दिया है, और पॉलिटिशियंस को भी शट आउट किया हुआ है, और वो कोई अंदर की खबर बाहर नहीं लीक होने दे रहे। मेरा ख्याल है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। तो उस कैंप का हम आपको नहीं बता सकते वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता ही। और उस कैंप के अगर आप अगर आपको कुछ पता है तो आप हमें बताएं, आपका क्या ख्याल है उस कैंप में, क्या सोच विचार हो रही है उस कैंप में, क्या बातें हो रही होंगी, और उस कैंप ने क्यों पहली दफा अपने आप को बिल्कुल शट ऑफ कर दिया, और वो जो उनके चहेते थे मीडिया में भी बहुत ज्यादा उनको बिल्कुल ही किक कर मार के बाहर कर दिया, और वो बड़े गुस्से में बेचारे वो सारे जो चहेते थे ना वो बहुत अपसेट थे, और वो सारा दिन बेचारे दुहाइयां दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, डिलीट भी कर देते हैं बाद में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन हिट कर दें, जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरतकास्ट।